बाहर भी जो आ रहे हैं सब अपना अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय नीतीश कुमार जी का भी मन का सपना मन के अंदर ही रह जाएगा, बिहार के अंदर अराजकता व्याप्त रहे लेकिन उससे मतलब नहीं, और कुर्सी किसी तरह से बचा रहे। इसके चक्कर में ये सत्ता से हट करके कुर्सी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कृपा संगर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। 23 जून को तमाम विपक्ष पार्टियों की बैठक हो रही है पटना में, और तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब नेता विपक्ष की तरफ से बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस बनाना चाहते हैं वो लोग बड़े ही ढोल नगाड़े बजा करके बिहार की धरती पर आ रहे हैं, जेपी की धरती पर आ रहे हैं, जेपी की धरती को संसार करने के लिए आ रहे हैं, ढोल बजा करके आ रहे हैं। पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, उनको विपक्षी एकता की सफलता पर संदेह है। कई बार लोग विपक्षी एकता के नाम पर हाँ कह दिए लेकिन नहीं आए पिछली बार, इस बार भी जो आ रहे हैं सब अपना अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का एजेंडा है कि जिस बिहार की धरती में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नारा, भारत मुक्त कांग्रेस भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के नारा पर सब हमको देश के सत्ता से बाहर किया था, आज वही जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्यों के द्वारा भारत युक्त कांग्रेस भ्रष्टाचार युक्त भारत के नारा को साकार करेंगे। तो कांग्रेस उन लोकनायक के भावनाओं को कुचलने के लिए बिहार की धरती पर बड़े उत्साह से ढोल बजाकर आ रहे हैं। दूसरे स्टेट के लोग को लग रहा है कि जब राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री का घोषणा हो गया है तो फिर हम लोग का भविष्य खत्म है। यहाँ तक कि माननीय नीतीश कुमार जी का भी मन का सपना मन के अंदर ही रह जाएगा, जिस उद्देश्य से वो कर रहे हैं इसलिए घबराहट में है, लोग को मनाने जा रहे हैं, लोग को आरजू विनती कर रहे हैं, बिहार के अंदर अराजकता व्याप्त रहे लेकिन उससे मतलब नहीं, अब कुर्सी किसी तरह से बचा रहे। इसके चक्कर में ये सत्ता से हट करके कुर्सी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। विपक्षी एकता के नाम पर वंशवादियों का, भ्रष्टाचारियों की जमात की गोलबंदी से बिहार की जनता को क्या मिलेगा? बिहार के अपमान का, बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी। आज पूरे बिहार के अंदर सैकड़ों लोग मर गए लू से। स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमने पहले भी चेताया था कि मिशन 16 का क्या हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर यही पड़ा कि 1600 करोड़ का एम्बुलेंस सत्ताधारी दल के लोग ठीका ले रहे हैं। जितने एनजीओ और सफाई कर्मी, जनरेटर कर्मी, एक्सरे कर्मी, आपके पैथोलॉजिस्ट, सभी से बोली लगाकर वसूली हो रहा है। अरबों रुपया स्वास्थ्य विभाग के अंदर खुलकर कमीशनखोरी का भेंट, पूरी व्यवस्था चढ़ गई है और इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। सिर्फ आई वास के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी हॉस्पिटल जाते हैं, कौन सुनेगा? जिससे तहसीलदारी हो गई है वो आपकी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि वो पैसा दे के आया, आपका हिम्मत नहीं है किसी को हटाने का। इसका जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन न इस सीबीआई से जांच कराएंगे, न हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराएंगे, क्योंकि एक भ्रष्ट और कमीशन खोर सरकार कभी जांच नहीं कराएंगे। वो कमीशन के चक्कर में पूरे विभाग को गिरवी रख दिए हैं, बेच दिए हैं, लोगों की मौत से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बिहार में कहां गया आपदा प्रबंधन का व्यवस्था? मुख्यमंत्री को मतलब ही नहीं है, उनको विपक्षी एकता से मतलब है। यहां लोग मरते रहे, अराजकता के शिकार होते रहे, अपराध भ्रष्टाचार में फंसते रहे, कोई मतलब नहीं है ये सरकार को। तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने साफ कर दिया है कि जो नीतीश कुमार का जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का, उनका मन के अंदर ही रह गया। साथ ही आपको बताते चले उन्होंने साफ कर दिया कि जब राहुल गांधी को यह पता चल गया है, तमाम विपक्ष के नेताओं को यह पता चल गया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को जाकर के वहाँ क्या मिलेगा।
साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत जो सपना देख रहे थे यूजेपी के लोग, आज वही कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस बनाने के लिए बिहार की धरती पर बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़े बजा करके आ रहे हैं। इससे क्या मिलेगा बिहार को? कैसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।